ये स्टोरी आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब पिता अपने बच्चे के साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनके कपड़े काफी फटे पुराने थे, और जब वेटर उनका ऑर्डर लिखने आता है तो उस बच्चे के पिता बोलते हैं, मेरी बच्ची के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आओ। तो वेटर को काफी अजीब लगता है कि सिर्फ एक प्लेट पाव भाजी, तो आप क्या खाओगे, आपके लिए मैं क्या लेकर के आओ। तो वो बोलते हैं, नहीं मेरे लिए कुछ भी मत लाओ, वो तो मैंने अपने बेटे को वादा किया था कि अगर तू 10 क्लास में टॉप करती है तो मैं तुझे रेस्टोरेंट लेकर के जाऊंगा, वो वादा पूरा करने के लिए मैं उसको रेस्टोरेंट लेकर के आया हूँ, तो आप सिर्फ मेरी बच्ची के लिए पाव भाजी लेकर के आइए, मेरे लिए मत लाइए। तो वेटर भागते भागते सीधा रेस्टोरेंट के मालिक के पास में जाता है और होटल के मालिक को बोलता है कि आप इनको 2 प्लेट पाव भाजी दीजिए, लेकिन पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना, इनसे पैसे मत लेना। और वेटर सारी कहानी बताता है कि इस बच्ची ने 10 क्लास में टॉप किया है, इस वजह से इसके पापा यहाँ पर उसको लेकर के आए, लेकिन उसके पापा के पास में पैसे नहीं है, इसलिए आप इनको 2 प्लेट पाव भाजी दीजिए, लेकिन इनसे पैसे मत लेना। तो रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है, अरे सिर्फ 2 प्लेट पाव भाजी क्यों, बच्ची ने टॉप किया है तो उसके लिए मिठाइयाँ भी लेकर के जाओ और ये सारी चीजें होटल की तरफ से देना। और जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर के जाता है तो उस लड़की के पिता बोलते हैं कि अरे मैंने तो 1 प्लेट पाव भाजी बोला था, आप 2 प्लेट क्यों लेकर के आए। फिर वेटर बताता है, ये सारी चीजें रेस्टोरेंट की तरफ से है क्योंकि आपकी बच्ची ने टॉप किया है, तो ये लीजिए आपके लिए मिठाई भी लेकर के आए हैं। फिर उनको बहुत सारी मिठाइयां भी दी जाती है और ये सब देख करके उस बच्ची के पिता रोने लग जाते हैं कि आपने एक गरीब परिवार को इतना ज्यादा सम्मान दिया, पर वो बच्ची चुपचाप सब कुछ देख रही थी। आगे जाकर के वो बच्ची काफी जगह पर टॉप करती है क्योंकि वो स्टडी में बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसकी मेहनत की वजह से आगे जाकर के वो कलेक्टर बनती है। फिर वो अपने पिता के पास में जाती है और उनको बताती है कि पापा मुझे फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ पर गरीबों का सम्मान किया गया था, और इस रेस्टोरेंट के मालिक को कॉल करके बताया जाता है कि वहाँ पर कलेक्टर आने वाले हैं। तो रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर उस मालिक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 15 साल पहले जिस बच्ची की उसने हेल्प करी थी वही बच्ची कलेक्टर बन चुकी है और वही यहाँ पर आ रही है। वो तो पूरे होटल को सजा देता है और कलेक्टर के आने का वेट करता है, और कलेक्टर जब रेस्टोरेंट में आती है तो सबसे पहले रेस्टोरेंट के मालिक को बोलती है कि क्या आप मुझे जानते हो, मैं वही लड़की हूँ जिसको कुछ साल पहले आपने फ्री में खाना भी खिलाया था और मिठाइयाँ भी दी थी क्योंकि मैंने 10 क्लास में टॉप किया था, और आपकी वजह से मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और आपने उस टाइम पे एक गरीब की वैल्यू करी थी और आपने एक गरीब को पार्टी दी थी, इसलिए आज मैं आपके होटल के पूरे स्टाफ के साथ में पार्टी करना चाहती हूँ और मैं भी आप लोगों का सम्मान करना चाहती हूँ। अब ये सुनकर के वो होटल का मालिक रोने लग जाता है और वो लोग उस दिन काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो हर किसी को एक गरीब की वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं कि कल कौन क्या बनने वाला है और भगवान कब किसी को उठाकर कहाँ पर रख दे, इसलिए हर किसी की वैल्यू करनी चाहिए। आप स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर कुछ भी ना करो तो भी चलेगा, बस स्टोरी में से कुछ ना कुछ सीखना।